अपनी आस्था को आप अपने बाथरूम में मंदिर बनाते नहीं बनाते ना, आस्था की एक जगह होती है जो असली धर्म को मानने वाले हैं। जब हम किसी की अर्थी ले जाते हैं तो हम का राम का नाम अलग वे में लेते हैं, हम राम नाम सत्य है कहते हैं। जब हम मंदिर में राम नाम का लेते हैं तब हम राम नाम सत्य है नहीं कहते, तब हम जय श्री राम कहते हैं। तो राम का नाम जिन लोगों में आस्था है, जैसे हम भी हिंदू हैं, तो हम राम का नाम कहाँ कैसे लेना है ये हमें बचपन से बताया गया है। गुंडागर्दी करते हुए, खून खराबा करते हुए, किसी को छेड़ने के लिए हम अपने भगवान का नाम नहीं लेते। और जो ये कर रहे हैं ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म से लोगों को बरगला रहे हैं। और अगर आपका फेथ कमजोर है, अगर आपको धर्म में विश्वास है, तो आप किसी और धर्म से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने धर्म में विश्वास है। कोई कुछ भी करे, आपका भगवान को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें भगवान की प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक आखिरी सवाल जो मेरा है कि क्या आपको लगता है कि बहुसंख्यक वाद बढ़ रहा है देश में, आपको ऐसा लगता है? इसमें कोई शक नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं है। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जुडिशियल हिंदुओं ने वोट दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना एमपी फंड सिर्फ हिंदू पे खर्च सकते हैं। इसकी हमारे संविधान में मनाही है। आप यहाँ नलका लगाएंगे तो कोई भी उस नलके से पानी पी सकता है। आप उस पर कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा सकते कि इससे सिर्फ इस जात का या इस धर्म का। ये संवैधानिक देश है, लेकिन जब बनाना रिपब्लिक जो होता है, बनाना रिपब्लिक में भी इलेक्शन होता है, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड में कोई और देश नहीं है। आप अफ्रीका में देखिए आप एशिया में देखिए मिलिट्री रूल है। बर्मा में इलेक्शन हुआ, मिलिट्री रूल शुरू हो गया। हमारा ही एक देश है जिसने 70 साल से पूरी दुनिया में गोरे आदमी को ये अंगूठा दिखाया था कि हम काले हैं पर हम संविधान से चल सकते हैं। लेकिन आज गोरे लोग हंस रहे हैं कि देखो हिंदुस्तान मुस्लिम पाकिस्तान बन गया। और मेजोरिटीज़म जो आप कह रहे हैं यहाँ पे शुरू हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है, जो लोग हिंदू धर्म में मानते हैं, अगर आपको किसी बात का डर लग रहा है, अपने धर्म को स्ट्रांग करिए, एक घंटा मेडिटेशन करिए, गाली गलौच में और इस सब में आप अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी लग रही है, हम एक 80% मेजॉरिटी हैं, 80%, 50% नहीं, 51% नहीं, 80%। तो अगर एक 80% मेजॉरिटी का मेंबर होके भी आदमी को अपना धर्म खतरे में लग रहा है, देन मुझे लगता है उसका ईमान खतरे में है। और उस आदमी को मंदिर में टाइम बिताना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। हम भी सुबह उठ के एक घंटा मेडिटेशन करते हैं, और एक घंटे की मेडिटेशन के बाद हमें ये जवाब आता है कि हम सिक्योर हैं अपने अंदर के भी ईवल से, चाहे वो जेलेसी हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो कोई गलत थॉट हो। भाई इंसान को दूसरे इंसान से खतरा नहीं है, अपने अंदर के भी गलत चीज़ों से खतरा है। तो हमारा धर्म हमारे ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, गली का गुंडा बनने के लिए नहीं है। तो प्लीज़ हिंदू धर्म को इन सब चीज़ों से बाहर छोड़िए, और इस तरह के कामों में, पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में MPs हिंदू धर्म को मिसयूज़ ना करें तो ये बहुत अच्छा रहे। थैंक यू मैम। ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि राम के नाम का जो दुरुपयोग पर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है वो कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर और लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है। हमारे साथ हाफिज़ सुनकर मार दिया। अगर उनकी जो है उनकी पत्नी ये कह रही थी कि अगर नाम उसका तबरेज़ नहीं होता तो वो बच जाता।
क्या नाम की वजह से मार दिया गया, इसको कितने मानते हैं कि उस तबरेज की लिंचिंग से उसके नाम की वजह से? देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इसको किसी और नज़रिए से देखा जाएगा। लगातार पिछले कई सालों से कई शहरों में, कई रियासतों में वो जाति और धर्म पूछ कर ही मारा जाए और बग़ैर किसी जुर्म के मारा जाए। जुर्म बाद में उस, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके जुर्म, तो जो मानसिकता पनप रही है उसके पीछे केवल और केवल यह है कि राज सत्ता को कैसे काबू में रखा जाए। इसके लिए प्लोराइज करने के लिए यह वाहिद एक रास्ता, एक हैंडल है कि हर हाल में इसको प्लोराइज करना है और कोई दूसरा रास्ता मामला नहीं है। और दूसरा इसका स्थायी समाधान है वो मेरी नज़र में ये है कि सरकार अविलंब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो SC ST के लिए है उसमें माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करे, क्योंकि IPC की जो धाराएं हैं उससे बच निकलने के रास्ते वहां की पुलिस बताती रहती है इस तरह के एलिमेंट्स को। तो 302 307 से तो ये बच के निकल जाते हैं। हम समझते हैं कि अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में अगर हमें इंक्लूड कर लिया जाएगा माइनॉरिटी को तो बचने के रास्ते कुछ कम इनको मिलेंगे, शायद ये कुछ अस्थाई समाधान कहा जाएगा। चलिए, अस्थाई समाधान, यहाँ पर लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं। हमारे साथ इस मामले पर प्रोफेसर रतनलाल हैं जो हमसे बात करेंगे और इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। हावी होता जा रहा है बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटी बहुसंख्यकवाद नहीं है,